हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग लिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है या इसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप भी बोल सकते हो। तो इसकी एक्सिस पे मतलब इसके सेंटर से जो भी हमारे पास लाइन होगी, चाहे वो लाइन हमारी इस तरफ हो चाहे वो लाइन हमारी इस तरफ हो, लेफ्ट हो या राइट हो, चाहे अप हो या डाउन हो, किसी भी मतलब एक्सिस पे, मतलब इसकी एक्सिस पे हम लोग जो है सेंटर से जो भी इसकी लाइन पास हो रही है उस एक्सिस पे हम लोग को पॉइंट एज्यूम को करना है और उस पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। सो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ये हमारे पास जो रिंग है उसमें हमने इसको पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किया कि इसको पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास हमने इस रिंग को जो है, इस रिंग की जो रेडियस है वो हमने ए मानी है और इसके एक्सिस को हमने जहाँ पे हमको पॉइंट जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसको हमने डिस्टेंस आर पे माना हुआ है पी। ठीक है, सो हम लोगों ने यहाँ पे एक ए बी एक एलिमेंट लिया हुआ है, इसको यहाँ पे हम चार्ज एलिमेंट बोल सकते हैं। चार्ज एलिमेंट का मतलब हो गया कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा डी एल अमाउंट का लेंथ एज्यूम किया है और उस डी एल अमाउंट के लेंथ पे डी क्यू अमाउंट का चार्ज होगा। जैसे ये पूरा एक लूप है, लूप है मतलब कि ये हमारा पूरा एक लेंथ होगा, तो इस लेंथ की वजह से टोटल चार्ज हमारे पास क्यू है। अगर हम इस लेंथ का छोटा सा पार्ट कट करें, कोई डी एल अमाउंट का पार्ट कट करें, तो उस डी एल अमाउंट पे कोई डी क्यू चार्ज होगा, मतलब छोटा लेंथ होगा छोटा अमाउंट का चार्ज होगा, लेंथ बड़ी होगी चार्ज ज़्यादा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो हमने एज्यूम किया है इसके एक्सिस पे, वो उस पर नेट फील्ड क्या होगी ये हमको निकालना है। और ये लूप हमारा एक सिमेट्रिकल है, हर एक पॉइंट से हर एक जगह से ये सिमेट्रिकल है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिस्टेंस यहाँ से सी और पी डिस्टेंस एज्यूम किया, सी पी, जिसको हमने रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया है, क्योंकि हमारे पास जो एक्सिस की डिस्टेंस है हमारे पास आर है और जो रेडियस है उसका वो ए है, इसलिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक थीटा एंगल एज्यूम किया हुआ है इस डिस्टेंस में और आर के बीच का एंगल जो है वो थीटा एंगल है यहाँ पे। तो हमने इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें और इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें यहाँ पे, तो हमको एक थीटा एंगल मिलता है यहाँ पे। तो डी ई का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा यहाँ पे, एक डी ई कॉस थीटा आएगा, थीटा के पास कॉस जाएगा, और एक डी ई साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और कोई डी एल एलिमेंट कट करते हैं कोई छोटा सा, तो इस डी एल एलिमेंट की वजह से भी यहाँ पे हम फील्ड निकाल सकते हैं। अभी हम जो फील्ड निकाल रहे हैं वो इस डी एल एलिमेंट की वजह से, यहाँ पे फील्ड जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ इस डी एल एलिमेंट की वजह से है, डी क्यू मतलब जो हमारे पास ये डी एल एलिमेंट है जो इस पर डी क्यू चार्ज है उसकी वजह से। अगर हम सेम इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे अगर हम एक डी एल एलिमेंट को एज्यूम करें और वहाँ पर कोई डी क्यू चार्ज लें, तो उस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी डी ई, तो इसका भी हमारे पास कंपोनेंट निकल के आएगा, एक डी ई कॉस थीटा एक डी ई साइन थीटा अपसाइड में। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं आगे कि लेट द लेंथ ऑफ एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू डी एल। तो मतलब जो हमने यहाँ पे ए बी लिया हुआ है इसको हमने यहाँ पे डी एल लेंथ माना हुआ है, सी बी द सेंटर ऑफ द एलिमेंट, इस सी को हमने इस एलिमेंट डी एल है तो उसका सेंटर को हमने सी मान लिया, इसे एज्यूम किया है। चार्ज ऑन द एलिमेंट ए बी, अब इस एलिमेंट पर चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन डी एल। ये एक्चुअली क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, मतलब कि एक पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। तो हमने माना कि यहाँ पे हमने डी एल लेंथ लिया, तो डी एल लेंथ पे हमारे पास डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। तो ये डी क्यू अपॉन डी एल, अब ये चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है और ये हमारा ये यूनिफॉर्म फिगर है, मतलब यूनिफॉर्म रिंग है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। मतलब कि डी क्यू अपॉन डी एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई है, मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल चार्ज कितना है इस पे, क्यू है, और टोटल लेंथ क्या है, टू पाई है। टोटल लेंथ टू पाई है, कैसे आ गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, तो रेडियस ए है तो सर्कमफ्रेंस टू पाई ए निकल जाए। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन स्मॉल लेंथ डी एल इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर डेंसिटी जो होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, चाहे आप फुल चार्ज लो चाहे आप थोड़ा सा चार्ज लो। क्यों, क्योंकि हमारा ये फिगर हमारा यूनिफॉर्म है। ओके, सो हमारे पास डी क्यू बाई डी एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई ए लिख सकते हैं, तो डी क्यू की वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई ए इंटू डी एल हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू चार्ज एलिमेंट ए बी इज डी ई। ठीक है, तो हमने देखा कि ए बी पे जो डी क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो डी ई है।
जिसकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो किया, क्योंकि ये रिपल करेगा। अगर यहाँ पे यूनिट टेस्ट पॉजिटिव रखेंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल करेगा, इसलिए डायरेक्शन इसकी डी इधर आई है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, 1/4 pi epsilon naught इंटू DQ/CP² तो ये चार्ज है हमारे पास, यहाँ फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस आएगी, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो DE = 1/4 pi epsilon naught DQ/CP² हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ट्रैंगल ओ पी सी पी सी इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारे पास देख रहे हैं कि एक ट्रैंगल हमारे पास ओ पी और सी जो ट्रैंगल है यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजिली। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे सी पी की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल जाएगी, या आप सी पी बोलिए या पी सी बोलिए, वो हमारा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल जाएगी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी पी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बचेगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डी की वैल्यू, वो हमारे पास यहाँ पे डी मॉड डी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught DQ/R² अलॉन्ग पी सी डैश। अलॉन्ग पी सी डैश मतलब डायरेक्शन बता रहा है ये जो है यहाँ पे पी सी डैश जो है वो डायरेक्शन को बता रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया हुआ है। अगेन हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है, डी ई कैन बी रिजॉल्व इन टू कम्पोनेंट एज शोन इन, हमने आपको समझाया है, आपको बताया भी आपको कि जो डी ई है वो हमारा दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, एक डी ई कॉस थीटा में, एक डी ई साइन थीटा में। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको हमने डी साइन थीटा बोला है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हमने डी ई कॉस थीटा बोला हुआ है। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वही हमारा सर्वाइव करेगा। सो द रिजल्टेंट फील्ड जो निकल के आएगी पॉइंट पी पे, वो हमारी मॉड ई या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा आएगी। देखते हैं कैसे होगा ये, देखिए तो हमने जो बात किया अभी, जो जितना भी हमने ये कंपोनेंट निकाला, जो ये डी ई निकाला, बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट निकाला है। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक सिमेट्रिकली यहाँ पे अगर हम एक और डी एल एलिमेंट ले लें, तो इस डी एल एलिमेंट की यहाँ जब डी एल एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज होगा। अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे तो उस फील्ड की डायरेक्शन हमारी इधर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डायरेक्शन जस्ट इसी यहाँ पे स्ट्रेट चली जाएगी। तो इस डी की भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डी कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक डी साइन थीटा अलोंग वर्टिकल निकल जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो दोनों के डायरेक्शन से बिकॉज ऑफ इस डी की वजह से यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो इससे एडअप हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और जो कंपोनेंट यहाँ पे आएगा डी ई साइन थीटा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डी ई और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन है यहाँ पे, इस वजह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही सर्वाइव करेगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मॉड इज इक्वल टू समेशन ओवर डी ई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ओ पी अपॉन सी पी है इज इक्वल टू आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ। तो ये सिंपल से वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू है, कि जो कॉस थीटा है हमारे पास यहाँ पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारे पास आर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आर स्क्वायर प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो सिंपली हमने उसी कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मॉड ई इज इक्वल टू समेशन 1/4 pi epsilon naught DQ/R² plus A² मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, कि ये जो हमारे पास डी ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 pi epsilon naught DQ/R² plus A² है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास R/R² plus A² हाफ है। ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमको यहाँ से वैल्यू निकल के आई यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है, मैंने लिखा यहाँ पे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये थी डी क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू पाई ए इंटू डी एल। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1/4 pi epsilon naught Q DL/2πa वैल्यू पुट करेंगे, किसी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट लिया था, फिर डी क्यू वैल्यू लिया था हमने यहाँ पे, तो डी क्यू वैल्यू लिया हुआ है, इस डी क्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो डी क्यू है हमारे पास, ये डी क्यू, इस डी क्यू को वहाँ पे पुट कर दिया हमने, क्या निकली थी Q/2πDL हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, R/R² plus A² 3/2 हो जाएगा। सिंपली यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे, फिर क्यू आर क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो भी टर्म्स हमारे पास 4/9 टर्म है, 2πa टर्म है हमारे पास, R² plus A² 3/2 टर्म है, ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग समेशन और डी एल को यहाँ से निकाल लेंगे।
तो इसको हम होल लूप बोलेंगे, मतलब होल लूप पे इसको सम कर देंगे, मतलब बहुत छोटे छोटे डीएल डीएल एलिमेंट्स को कट कर देंगे, अगर हम मिला देंगे उनको, समेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उनको हम, तो हमको पूरा लूप मिल जाएगा। ठीक है, ये अभी जो फील्ड निकल के आ रही है हमारे पास यहाँ पे, वो बिकॉज ऑफ डीएल एलिमेंट से निकल गया। अगर हम डीएल एलिमेंट को समेशन कर दें, इंटीग्रेट कर दें हम अगर हम, तो हमको पूरे लूप की वजह से वहाँ पे फील्ड निकल जाएगी। तो क्यू आर इंटू टू पाई है, डीएल को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरा सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, मतलब पूरा लूप मिल जाएगा। तो लूप का जो सर्कमफ्रेंस कितना होगा, लेंथ वो टू पाई ए होगी, लेंथ लेंथ बोलिए, सर्कमफ्रेंस बोलिए उसका। और नीचे हमारे पास फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू ऑलरेडी है ही हमारे पास। फिर टू पाई ए ऊपर है, टू पाई ए नीचे, दोनों कट हो जाएगा। तो क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर थ्री बाई टू बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है हमारे पास नेट फील्ड निकल के आ गई है पॉइंट पी पे, बिकॉज ऑफ होल लूप की वजह से, पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। अब कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास। पहला केस है व्हेन पी लाइज एट सेंटर, अगर हमारा जो पी पॉइंट है सेंटर पे लाई करे तो आर इज इक्वल टू जीरो, देन ई इज इक्वल टू जीरो जाएगा। मतलब समझते हैं इसको, जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को, पी को उठा के अगर हम इसके सेंटर पर लाकर रखें तो क्या होगा, आर का जो आर डिस्टेंस हमने माना हुआ है वो रिड्यूस टू जीरो हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि पी पॉइंट हमारा कम होते हुए तो जीरो पे आ गया। अब जब आर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ई इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू, यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। डेट्स वाई हमको ई इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ई इफ़ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टेंडिंग टू जीरो लिखा है हमने। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो डायग्राम हमारे पास है, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम आर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा ले लें एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द लूप के, तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर, अब ये रेडियस ऑफ लूप ऑलरेडी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू आर के, तो अगर हम उस कम वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो और कम हो जाएगा। मतलब जैसे सपोज 0.1 ऑलरेडी कम है, तो 0.1 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो 0.01 हो जाएगा, मतलब और कम हो जाएगा। तो इस वजह से ए स्क्वायर जो होगा वो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थ्री बाई टू, यहाँ से हमारा ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, थ्री बाई टू से टू टू कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। तो क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बचेगा, ये लिखा है क्यू आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बचेगा। आर आर फिर कैंसिल हो जाएगा तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के देख रहे हैं हम लोग कि क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर से निकल के आई, ये फील्ड अगर आपको याद हो तो हम लोग लास्ट टर्म पे पीछे पड़ चुके थे, बिकॉज ऑफ सिंगल चार्ज की वजह से जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आती थी किसी पॉइंट पे, वो हमारी इतनी ही होती थी। इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस सर्कुलर लूप विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज इफ़ पी लाइज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सर्कुलर लूप। मतलब कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है आर, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू रेडियस के, देन हमारा जो ये लूप है वो एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट होने लगेगा। और उस पॉइंट चार्ज की ट्रीट होने की वजह से हमारी जो नेट फील्ड जो निकल के आएगी वो हमारी की ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर निकल के आएगी। थैंक यू।